ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। लगातार चल रही बैठकों के बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने शुक्रवार को तमिलनाडु के 14 लोकसभा सीटों के लिए नामों का ऐलान किया है। वहीं अन्य राज्य के लोकसभा प्रत्याशियों का भी चयन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी और कांग्रेस क्रमवार अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु की 14 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने पटाली मक्कल काची को 10 सीटें दी है। इसमें भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई को कोयम्बटूर और केंद्रीय मंत्री एल मुर्गन को नीलगिरी से उतारा गया है। वहीं ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटों के लिए नामों का ऐलान किया गया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।